असलमकम वरह वरक आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ खुलानबी मद्दी आज 10 जनवरी 2024 हज़ार चौबीस है और आज दिन है बुध का इस वीडियो में गजा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं नई अपडेट्स नई मालूम और डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं नसर कराम गजा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है आज इस जंग का छियानवेवा दिन है इसराइली फ़ौजें गजा के अंदर घुसी हुई हैं लेकिन मुजाहिदीन इसराइली फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं गजा के मुख्तों में मुजाहिदीन की यहूदी फौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन खबरें इतलात और मालूम मेरे सामने हैं जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं, जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे गज़ा के मुजाहिदीन दाली यहूदी फौज को जिंदा जला रहे हैं और कैसे गज़ा से यहूदी फौजें भाग रही हैं इससे पहले कि मैं बाकायदा खबरों का आगाज़ करूं, अगर आपने मैदान जंग की वीडियोज़ देखनी है तस्वीरें देखनी है फोटिज देखनी है मनाजिर देखने हैं यहूदी फौजियों के जहन्म वासिल होने के तो आप है, हमारे एक्स अकाउंट ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें और इसी तरह से हमारे टेलीग्राम चैनल ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनमें शामिल हो जाएं जिनसे आपको वो मनाजिर वो वीडियोज़ वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से हम वो चीज़ें यहाँ नशर नहीं कर सकते हैं इसके अलावा हमारा नया YouTube चैनल खबरों की दुनिया भी है उसे भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने दूसरे YouTube चैनल पर नशर करते हैं तो आप उसे भी फॉलो कर लें ये हमारे तमाम प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको फ़लस्तीन और गजा की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर देखने को मिल सकती है आगाज करेंगे सबसे पहले कि गजा के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है गजा में मुजाहिदीन कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से द जाली यहूदी फौज को जहन्नम वासिल कर रहे हैं मेरे सामने कसाम के तर्जुमान हमास के अस्करी विंग कसाम के तर्जुमान अबू उबैदा का धमाकेदार बयान मौजूद है अबूबैदा की जानब से नशर की जाने वाली रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कत्यब कसाम के तर्जुमान अबूबैदा ने बताया है कि गुजशत एक हफ्ते के दौरान मुजाहिदीन ने इसराइली फौज की बयालीस गाड़ियाँ फौजी टैंक के कुल्ली और जुजवी तौर पर तबाह किए हैं उन्होंने कहा कि हमारे मुजाहिदीन ने गज़ा के मुख्तलिफ इलाक़ों में दज्जाली यहूदी फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें फोर्टी टू टैंक से फौजी गाड़ियाँ और बिलडोज़र वगैरह तबाह किए गए हैं उन्होंने कहा इसके अलावा करीब मसाफत से सिफर मसाफत से ट्वेंटी टू यानी बाई से दत यहूदी फौजियों को जहन्नम वासिल किए हैं इसके अलावा दत फ़ौज के खिलाफ बावन मुहमात जंगी सरंजाम दी गई हैं मुख्तल इलाक़ों में जिसमें दर्जनों यहूदी फौजी हलाक और ज़ख़्मी हुए हैं साद ने ये भी बताया कि जो जाली यहूदी फ़ौजें गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जमा थीं उनके ख़िलाफ़ मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया उनके रास्ते में बारूदी मवाद बिछाया गया माइन बिछाई गई और इसी तरह से नफक यानी सुरंगों में घुसने वाले यहूदी फौजियों को जो बारूदी मवाद है बम है वो नसब करके उड़ाया सा ये भी बताया के तकरीबन चारे सुरंगों को जिनमें यहूदी फौजें दाखिल हुई थी उनको पिछले तकरीबन सात दिनों के अंदर उड़ाया गया है जिसमें दर्जनों यहूदी फौजी हलाक हुए हैं इसके अलावा जो इमारतों में यहूदी फौजी पनाह लेते थे उन पर मिसाइलों से हमले किए हैं और उन्हें उनसे उनके जरिए से तबाह किया है साथ साथ उन्होंने कहा कि गजा के आसमानों में परवाजें करने वाले दज्जाली फौज के जो हैलीकॉप्टर्स थे उन पर भी हमने जमीन से आसमान तक मार करने वाले मिजाइलों का इस्तेमाल किया और उनके हेलीकॉप्टरों को गजा की फिजाओं से भगाया है चुनाचे अब हेलीकॉप्टर निचली प्रवासों पर आकर प्रवास नहीं कर सकते हैं इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौज का जो सबसे बड़ा ताकतवर जंगी ड्रोन तैयारा हिरमस 900 है उसे भी तबाह किया है और साथ साथ उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज का जो स्काई लार्क नामी ड्रोन तैयारा है उसे भी मुजाहिदीन ने तबाह किया है और दो दीगर जो ड्रोन हैं इसराइली फ़ौज के उन पर भी मुजाहिदीन ने कब्जा किया है इसके अलावा जो यहूदी फौज के ठिकाने हैं उन पर माटर गोलों की बारिश की गई है और शॉर्ट रेंज यानी कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है जिससे यहूदी फौज को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि हमने तिल अबीब पर इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब पर मिसाइलों की बारिश भी की है और हमने साबित किए हैं कि मुजाहिदीन दाली फौज के मुकाबले करने की सलाहियत रखते हैं यह बयान है कसाम के तर्जुमान अबू बैदा का जो उन्होंने नशर किया है जो मैंने आपके सामने उर्दू में बयान किए है इसके अलावा जो एक और बड़ी धमाकेदार खबर है वो सरायल कुत्स के जो मुजाहिदीन हैं यानी हमासग तंजीम हैरकतल इस्लामी अलग तंजीम है हरकतल जहाद्लामी al का अस्करी वंग सरायल कुत्स है और हमास का अस्करी वंग कतब उलकाम है तो सरायल कुछ के जो मुजाहिदीन है उनके जो तर्जुमान है उनका नाम है अबू हमजा उन्होंने भी एक धुआंधार तूफानी खिताब किया हैं जिसमें उन्होंने बताया कि अल्लाह के, के फजलोक करम से सराइल कुछ के मुजाहिदीन दर्जाली फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं और दर्जाली यहूदी फ़ौज के जहाज़ों को भी निशाना बना रहे हैं उन पर माटर गोलों की बारिश कर रहे हैं और इसी तरह से उनके आमने सामने आकर झड़पें कर रहे हैं और दर्जाली फ़ौज को जहन्नम भेज रहे हैं अब वमजा ने बताया कि हमारे मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौज के एक और जंगी ड्रोन तैयार स्काई लार्क पर कब्ज़ा किया है और उसे खान यूनस की फिजाओं में तबाह किया है उन्होंने साथ साथ एक और एक और कार्रवाई का ज़िक्र किया कि जो दज्जाली फ़ौजें गज़ा के अंदर इमारतों में पनाह लेती हैं उनके ऊपर मुजाहिदीन सराइल कुत्स के हमला करते हैं इस हवाले से हमने बहुत सी फोटिज और वीडियोज़ बना रखी हैं जो जल्द नशर की जाएँगी चुनाचे सराइल कुछ के जो तर्जुमान हैं वो बैदा उनकी जानब से एक नई वीडियो भी नशर की गई है ये जो साइल के मुजाहिदीन हैं उनकी जानब से जो नई वीडियो नशर हुई है ये हमने अपने एक्स अकाउंट ट्विटर अकाउंट पर नशर की है अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वह लाजमी आप देखिए इस वीडियो में मुजाहिदीन नेराइल कुछ के मुजाहिदीन ने दिखाया है कि एक मुजाहिद है जो अपने कंधे पर मिजाइल रख कर दाली यहूदी फौज की ताक में जाता है एक इमारत में तीन यहूदी फौजी पनाह लेते हैं तो एक मुजाहिद सीना तान कर उस इमारत के सामने जाता है और उस इमारत में पनाह लेने वाले यहूदी फौजियों पर मिसाइल मार देता है जिससे वो इमारत भी तबाह हो जाती है और तीन के तीन यहूदी फौजी हलाक और ज़ख्मी हो जाते हैं फिर गोलियों की बिझाड़ होती है और साइलकदस का मुजाहिद कहता है कि देखो मैंने द फौज को जला दिया है ये वीडियो मुजाहिदीन ने जारी की है जो हमने अपने एक्स अकाउंट पर भी नशर कर दी है तो अबू हमजा ने जो कदायबल कसाम के जो साइलकद के तर्जुमान हैं उन्होंने बताया कि जो दुनिया के लोग ये समझते हैं कि गज़ा को इसलहे से ख़ाली कर दिया जाएगा या ग़ज़ा से मुजाहिदीन को ख़त्म कर दिया जाएगा वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि इन जब तक ये दुनिया मौजूद है ग़ा के लोग मौजूद रहेंगे और ग़ा के मुसलमानों से कोई असल ना तो छीन सकता है ना ही किसी में ये जरूरत है कि वो हमारा असह छीने या हमें इसलहे से दूर करें ये कतकसम के तर्जुमान ये साइलकुद के तर्जुान अबू हमज़ा ने बताया है उन्होंने कहा कि अल्लाह के क़रम से हमारे मुजाहिदीन सही सालिम हैं और वो वक्त वक्ता फ़वका दाली फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें जहन्मासिल कर रहे हैं नजर कराम गजा के मुख्तलिफ इलाक़ों में इस वक्त बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है और दाली यहूदी फ़ौज का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है खुद अबरानी मीडिया पर ये चीख़ो पुकार चल रही है कि बहुत ख़तरनाक अंदाज से हमले हो रहे हैं यहूदी फ़ौजियों पर और मुसलसल यहूदी फौजियों की लाशें गजा से लाई जा रही हैं ताबूत लाए जा रहे हैं और गजा से मुसलसल यहूदी फौजियों को जख्मियों को हस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है चुनाची अफरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक और इसराइली फ़ौज की बाकायदा नए एतराफ़ के मुताबिक मजीद गज़ा के अंदर यहूदी फौजी हलाक हुए हैं अब एक और जो चीज़ सामने आई है आज की जो सबसे अहम चीज़ है खबर है वो भी मैं आप सामने रखता हूँ मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अल्लाह की गैबी मदद मुजाहिदीन को हासिल है एक यहूदी फ़ौज का बारूद से भरा हुआ ट्रक था जिसका हदफ मुसलमानों की यानी मुजाहिदीन की पकड़ी हुई एक सुरंग में वो बारूद लगाकर उस सुरंग को धमाकों से उड़ाना था लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि वो बारूदी जो मवाद से भरा हुआ ट्रक था उसके ज़रिए से छः यहूदी फ़ौजी हलाक हो गए और एक दर्जन से ज़ायद ज़मी हो गए अब एक और बड़ी इस इसी खबर में एक और इजाफा सामने आया है अबरानी मीडिया से वो ये है कि ये जो बारूदी मवाद से भरा हुआ ट्रक था जो मुजाहिदीन की सुरंग में लगाकर उड़ाने का मंसूबा था दरअसल इस बारूद से भरे हुए ट्रक को मुजाहिद के मिसाइल ने तबाह नहीं किया बल्कि इसे इसराइली फ़ौज के टैंक ने गोला मारकर तबाह किया है यानी अब आप ये अल्लाह की शान देखें अल्लाह की तरफ से नुसरत और मदद देखें कि बारूदी मवाद है इसराइल का और ट्रक है इसराइल का चलाने वाला यहूदी फौजी भी ट्रक का ड्राइवर जो है वो भी साइली फौजी है और उसका हदफ है मुजाहिदीन की मुसलमानों की सुरंग को ठिकानों को तबाह करना है लेकिन अब होना तो ये चाहिए था कि यहूदी फौजें इस असलहे से मुजाहिदीन को खुदा न खासा नुकसान पहुंचाते लेकिन हुआ क्या है अल्लाह की तरफ से मदद देखें कि इसराइली फौजी टैंक ने गोला मारा और वो इस बा इस टैंक को इस ट्रक को जाकर लगा जो बारूद से भरा हुआ था और वो ट्रक धमाके से फटता है और उसके नतीजे में उससे बल्कि वो ट्रक खड़ा हुआ था चल नहीं रहा था वो अपनी जगह पर पहुंच गया था और वहाँ पर उससे बारूद उतारा जा रहा था तो जितने यहूदी फ़ौजी थे वो सब के सब हलाक हुए और जो सुरंग के अंदर थे वो भी हलाक हो गए तो ये एक ऐसी अजीब व गरीब किस्म का वाक्य है जिसने अबरानी मीडिया को इसराइल को हिला कर रख दिया है इसराइली फ़ौजें हैरान हैं अब जिस टैंक से गोला मारा गया वो टैंक का फौजी कहता है कि मैंने गोला नहीं चलाया यानी मैंने वो मार जो टैंक का गोला होता है या मिसाइल होता है वो मैंने फायर नहीं किया वो कैसे चला है इसका मुझे भी पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोई गैबी ताकत है कोई अल्लाह की तरफ से गैबी कुवत है कोई गैबी तौर पर मदद है जो मुजाहिदीन के साथ है तो ऐसे मैदान जंग में मुजाहिदीन को मदद मिल रही है तो अब मेरे सामने एक और खबर है जो है जैतून का इलाका है वहाँ पर मुजाहिदीन ने दो सुरंगें थीं जिनमें यहूदी फौजें घुसी मुजाहिदीन ने उनको धमाके से उड़ा दिया बाकायदा कतईबुल कसाम के मुजाहिदीन ने एक नई धमाकेदार वीडियो जारी की है ये वीडियो भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल एक्स अकाउंट पर नशर की है अगर आपने ये देखनी है तो ये लाजमी देखें मैदान जंग में कैसे दज्जाली फ़ौज को मुजाहिदीन जहन्नम भेजते हैं वो इस वीडियो में दिखाया गया है ये वीडियो बुनियादी तौर पर गजा के हैय जैतून इलाके की है जहां पर मुजाहिदीन ने इसराइली फ़ौज के लिए एक जाल बिछाया यहूदी फौजें जो पैदल ऑपरेशन कर रही थीं उन्हें लगा कि यहां पर मुजाहिदीन नहीं हैं लेकिन जब यहूदी फौजें पैदल ऑपरेशन कर रही थीं तो अचानक मुजाहिदीन उन पर टूट पड़ते हैं और यहूदी फौजी हक के पक्के रह जाते हैं कुछ उसी वक्त मारे जाते हैं कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं और जो बाकी मानदा पैदल ऑपरेशन करने वाले यहूदी फौजी होते हैं वो भाग जाते हैं फिर मुजाहिदीन यहूदी फ़ौज के साथ है गोलियों के जरिए से मिसाइलों के जरिए से लड़ाई करते हैं और कई यहूदी फौजियों को जहन्नम भेज देते हैं ज़ख्मी कर देते हैं इससे वीडियो के अंदर एक और कार्रवाई दिखाई गई है जो सुरंग की है जिसमें मुजाहिदीन एक सुरंग के अंदर बारूदी बम लगाते हैं ताकि उस सुरंग में जब यहूदी फौजें दाखिल हों तो वो जहन्नम चली जाएं तो जैसे ही यहूदी फौजी ये यह समझते हैं कि हमने सुरंग पकड़ ली है जब वो उस सुरंग में दाखिल होते हैं तो वो सुरंग धमाके से मुजाहिदीन रिमोट कंट्रोल बमों से रिमोट कंट्रोल जो डिवाइस होती है बम होता है उसको उड़ा देते हैं और यहूदी फौजें हलाक हो जाती हैं तो अब तक के ऐसे कई वाकत हो चुके हैं जिनमें मुजाहिदीन की सुरंगों में यहूदी फौजें दाखिल हुईं और उन्हें पता भी ना चला और वो धमाकों से तबाह हो गई तो खुलासा ये हुआ कि गजा की जो जंग है इस जंग में दज्जाली यहूदी फ़ौज का बड़ा नुकसान हो रहा है और इतना नुकसान हो रहा है कि जो यहूदी मीडिया है वो मुसलसल चीखो पुकार कर रहा है कि गजा की जंग इसराइल को कोई फ़ायदा नहीं दे रही है सिवाय नुकसान के मसलन एक कैदी भी गजा से इसराइल ने अभी तक रिहा नहीं करवाया है जिंदा हाँ, लाशें तो लेकर गए हैं दो तीन यहूदी कैदियों की लेकिन किसी कैदी को जिंदा रिहा इसराइल नहीं करवा सका है उल्टा अपने ही लोगों को अपने ही बमों से मिजाइलों से मार दिए हैं। अब आज की एक और खबर आपके सामने रखूंगा इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का सबक चीफ है जिसका आ, आ, जिसने इंटरव्यू दिया है टाइम्स मैगजीन को टाइम्स मैगज़ीन बरतानिया का बड़ा मशहूर मीडिया नेटवर्क है उसको इंटरव्यू दिए है सबक इसराइली मसाद एजेंसी के चीफ़ ने और कहा है कि याहि या सिनवार जो हमास के कमांडर हैं और हमास के जो आर्मी चीफ है मोहम्मद अदैफ़ और अबू बैदा और बाकी लोग ये सब के सब जंग को बंद करने के इरादे में नहीं हैं और इनको पता है कि जंग हम बंद नहीं करेंगे और लंबे अरसें तक लड़ेंगे इसी वजह से वो बार बार इसराइल की जानब से पेश की जाने वाली जो ऑफ़र्स हैं डील्स हैं उनको मुस्तरद कर रहे हैं और कोई डील नहीं करना चाहते हैं नसिन कराम हमास की जानब से कह दिया गया है कि जब तक हमास की शरात पर इसराइल समझौता नहीं करेगा तब तक कोई माहदा इसराइल के साथ नहीं होगा हमास की पांच बड़ी शरात हैं नंबर एक इसराइल गजा को मुकम्मल तौर पर बंद करे नंबर दो इसराइल गजा का मुकम्मल तौर पर मुहासरा खत्म करे नंबर तीन इसराइल अपनी फौजें गजा से निकाल ले नंबर चार इसराइल जो ग़ा के नुकसान हुआ है जंग का वो अदा करे नंबर पाँच इसराइल ग़ा के और इसी तरह से फ़लस्तीन के जो बाकी मानदा कैदी हैं जहाँ जहाँ भी इसे पकड़े गए हैं और इसराइली जेलों में क़ैद हैं दस हज़ार बारह हज़ार से ज़्यादा फ़लस्ती मुसलमान उन सब को लिहाजा ये ये चार पाँच बड़ी शरत हैं हमास की जानब से जो रखी गई हैं अगर इसराइल उनको नहीं मानता है तो ज़ाहिर सी बात है हमास कोई समझौता नहीं करेंगे भारण काम इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये हैं कि गज़ा के शुमाली इलाक़ों से पचास हज़ार यहूदी फौजें भाग गई हैं आपको मालूम है इसराइल ने दावा कर रखा है कि हमने आज से बल्कि डेढ़ दो महीने पहले तक इसराइल का बड़ा शोर था कि हमने गजा के शुमाली इलाके को फतह कर लिया है लेकिन असिन कराम गज़ा के शुमाली इलाके से यहूदी फौजें भाग गई हैं छः फौजी बर्गेड्स थी यूनिट्स थी जिनको इसराइल ने गा से निकाला है और मजमुई तौर पर अबरानी मीडिया में आ रहा है कि पचास हज़ार यहूदी फौजें थी जो ग़ा के शुमाल से निकाल ली गई हैं और आज की एक और बड़ी ख़बर वला न्यूज़ एजेंसी है या वाला वेबसाइट है इसराइली अबरानी ज़बान की जिसने लिखा है कि इसराइल ने अकवा मुतहदा के एक वफद को ग़ज़ा के शुमाली इलाकों में दाखिल होने की इजाज़त दी है ताकि वो वहाँ पर जो इमारतें हैं महलें हैं शहर हैं उनको मुआन कर सकें और बाद में जो पनह गुजीन हैं यानी ग़ा के जो मुसलमान गजा के शुमाली इलाक़ों से दरबदर हुए या उनको ज़बरदस्ती निकाला गया तो वापस अपने घरों में आ सके तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यही है कि ग़ा के शुमाली इलाकों में अब इसराइली फौजें भाग गई हैं और वहाँ पर लोगों को दोबारा वापस आने के लिए अकोम मतदा का वफद भी आ गया है तो एक और जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये है कि इसराइली वज़ी अजम नैतन याहू ने इस अमरीकी वजी खारजा एंटोनी ब्लकन से मुलाकात में कहा है कि ग़ा के शुमाली इलाक़ों में जो ग़ा के शहरी हैं फ़लस्तनी मुसलमान हैं उनको वापस आने की इजाज़त दी जाती है ये नजर कराम रिपोर्ट के अंदर बताया गया है तो खबरें ये आ रही हैं कि इस वक्त जो गज़ा में यहूदी फ़ौजें हैं वो सिर्फ़ खानूनस में हैं खानूनस का जो इलाका है वहाँ पर तकरीबन बीस हज़ार से ज़्यादा फ़ौजें बताई जा रही हैं जबकि ग़ा शहर के, के अतफा इलाके है दरज इलाक़े है ज़ैतून इलाके है अर अर रिजवान इलाका है और इसी तरह से अलमगासी का इलाका है मुग़राका का इलाका है ये छोटे मोटे इलाक़े हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर यहूदी फ़ौजें हैं लेकिन शुमाली इलाक़ों से दाली फ़ौजें भाग गई हैं ये रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है तो मजमुई तौर तो पर देखा जाए तो गजा की जो जंग है नाजुन कराम वो दाली फ़ौज हार गई है और इस वक्त इसराइली फ़ौज को ग़ज़ा में सिवाए तबाही के और नुकसान कुछ हासिल नहीं हो रहा है बल्कि मेरे सामने एक और ख़बर आई है इसराइली फ़ौजी तर्जुमान दानियाल हगानु ने कहा है कि अलबरीच के इलाके में जो इसराइली फ़ौजी छः यहूदी फौजी हलाक हुए हैं एक बारद से भरे हुए ट्रक की वजह से और चौदह जो ज़ख्मी हुए हैं यानी बीस यहूदी फौजी हलाक और ज़ख़्मी हुए हैं इस मामले की वाक़े की तहकीकत की जा रही है इसमें किसका कसूर था और कैसे ये नुकसान हुए हैं। तो भारत लज्वी इकराम इस वक्त इसराइली फ़ौज गजा की जंग हार रही है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है मैं आपके सामने कुछ मजीद ख़बरें रखता हूँ अमरीकी वजीर ख़ारजा इंटोनी ब्लकन का दौरा मशता का सामने आया है आपको मालूम है कई ममालिक दौरे पर थे अमरीकी वजे खारजा जिसमें तुर्की है उर्दन है सऊदी अरब है कतर है और इसी तरह से अब वो इसराइल का भी दौरा कर चुके हैं तो अमरीकी वजीर खारजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उसने कहा है कि गज़ा के, के हज़ारों लोग बल्कि लाखों लोग मुश्किल का शिकार हैं उन्हें खाने पीने की दिक्कत लाक है उसने कहा कि नवे दिन में बहुत बड़ा इंसानी बहरान अलमिया जन्म लिए है लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम इसराइल की तरफ खड़े हुए हैं अमरीकी वजी खारजा ने कहा कि इसराइल के, के ख़िलाफ़ आलमी अदालतानसाफ़ में जंगी जराइम के मुक़दे का दर्ज करवाना ये इस जंग को ख़त्म करवाने की जो कोशिश है उसको तोड़ने के मुतरदफ़ है अमरीकी वजीर ख़ारजा खुद यहूदी है तभी वो इसराइल की हिमायत कर रहा है अमरीकी वजी ख़ारजा ने कहा कि हम मास और हिजबुल्ला और हुसी और जो कोई भी मज़ीद जंगजू तनज़ीमें हैं जिनके पीछे ईरान है अगर वो एलानिया इसराइल को मिटाने का ऐलान करेंगे तो इससे मामला और बिगड़ेंगे उसने ये भी कहा कि जो आम शहरीों को आड़ बनाकर सुकूलों की आड़ में हस्पतालों की आड़ में जो नुकसान हुआ है ग़ा में इसकी ज़िम्मेदार हमास है अमरीकी वजी खारजा ने कहा कि खाना और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ग़ा में बगैर किसी तफरीक के दाखिल होनी चाहिए उसने कहा कि मैंने इसराइली हुकाम से मुलाकातों में ये बात कही है कि जंग के मराहल के हवाले से गौर किया जाए और ख़त्म किया जाए साथ उसने ये भी कहा कि हमने अकवाई मतहदा के साथ इतफ़ा किया है कि फ़लस्ती मुसलमानों को ग़ा के शुमारी इलाकों में वापस आने की इजाज़त हो अमरीकी वजी खारजा ने ये भी कहा कि हम इसराइल की हमायत करते हैं लबनान और इसराइल के दरमियान जो झड़पें हैं उनमें और हम डिप्लोमेटिक सोलूशन चाहते हैं लबनान के साथ साथ, साथ उसने ये भी कहा कि बहुत से ममालिक हैं जो गज़ा की फलस्तनीों की तमीर नौ के लिए तैयार हैं और हम फलस्ती का पुरमन रियाती दो रियाती हल चाहते हैं तो यह अमरीकी वजी खारजा का बयान था जो इसराइल के दौरे के मौके पर सामने आया है नजीर कराम सच्ची बात यह है कि अमरीका चाहते हुए भी इसराइल को नहीं जिता सके हैं अमरीका ने इसराइल को तकरीबन सत्तर हज़ार बम दिए और अमरीका ने इसराइल के लिए तकरीबन आठ सौ जहाज़ इसलहे के भेजे और अमरीका ने इसराइल के लिए तकरीबन दस हज़ार से ज़्यादा फौजी कमांडोज इलीट भेजे जो सबसे बड़ी इलीट फौजी दस्ता है गज़ा इस अमरीकी फौज का वो आया लेकिन अल्लाह की शान देखें जैसे अमेरिका अफगानिस्तान की जंग हारा ऐसे ही गजा के अंदर भी जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने अमेरिका और इसराइल को जीतने नहीं दिया दुनिया भर से तो कोई पच्चीस हज़ार से ज्यादा जो कराए के जंगजू हैं वो इसराइल पकड़ कर लाया हुआ है लेकिन अजुन कराम इस वक्त जो इसराइल है और उनके जो कराए के जंगजू हैं चाहे अमरीका है चाहे, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क उनके पीछे खड़ा हुआ है आपको पता है जर्मनी फ्रांस इटली कैनेडा यूरोप का हर मुल्क ऐलानिया तौर पर इसराइल की हमायत करता है क्योंकि जहाँ जहाँ भी यूरोपीय मुल्कों में हुकूमतें हैं वो यहूदियों के रहमो करम पर हैं तो बहर लजन निखरा सच्ची बात यह है कि अल्लाह की नुसरत और मदद गजा के मुसलमानों को हासिल है और वो ये जंग जीत रहे हैं और इसराइल जो कुछ भी कर रहा है उसमें नुकसान इसराइल का हो रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ नफरत पाई जाती है और पूरी दुनिया में इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरे चल रहे हैं और ख़ुद इसराइल के अंदर भी बगावत खड़ी है यहूदी सड़कों पर हैं यहूदी मुजाहरे कर रहे हैं मुर्दाबाद के नारे इसराइली वज़ी अजम के खिलाफ इसराइली दारकूमत नबीब में लग रहे हैं और यहूदी आपस में दस्तो गरेबाँ हैं एक दूसरे के मुखाल में फ़ौज और हकूमत में शीद लड़ाई है तो अल्लाह ने इन काफरों के दिलों को चीर फाड़ डाला है तहसबहम जमियाम शत्ता ये जाहिर तो एक नज़र आते हैं लेकिन अंदर से इनके दिल आपस में एक दूसरे से जुदा जुदा है अल्लाह ने कुरान में फरमाया है बहर आल सुनकर अब जो मजीद चीज़ें सामने आ रही हैं इस लड़ाई के हवाले से वो हैं लबनान और इसराइल के दरमियान जंग तो लबनान की हदूद से इसराइल पर बड़े मिजाइलों के हमले हुए हैं और इसराइल ने लबनानी हिजबुल्ला तंजीम के बड़े बड़े कमांडर्स को कत्ल करने का ऐलान किया है चुनाचे आज की जो एक और बड़ी खबर है इस वक्त मेरे सामने है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि जो हिजबुल्ला की तंजीम के एक और कमांडर थे उनकी गाड़ी को इसराइली ड्रोन तैयारे के ज़रिए से निशाना बनाया गया है और उन्हें कत्ल कर दिया गया है रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि दो बड़े कमांडर हिज़बुल्ला के पिछले 48 घंटों में इसराइल ने कत्ल कर दिए हैं लेकिन हिजबुल्ला ने जो हमले किए हैं उससे इसराइली फ़ौजी अड्डों को फ़ौजी छावनीओं को और फ़ौजियों को बड़ा नुकसान हुआ है और दर्जनों यहूदी इस वक्त जहन्नम वासिल हो रहे हैं नजर कराम इसराइल के अंदर सोग है सफ़े मातम बिछी हुई है और बहुत बुरे हालात हैं रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अगर इसराइल ने यह जंग फोरी बंद ना की तो नुकसान हमास को नहीं लबनान को नहीं यमन के अनंसार्ल्ला हूसियों को नहीं बल्कि खुद इसराइल को होगा बहरहाल ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं अपडेट्स और मालूम हैं जो अब तक मैंने पहुँचाई हैं मज़ीद इस तरह की मालूमत और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि गुलाम नबी मद्दी के नाम से उसे लाजमी फॉलो करें यहाँ पर आपको गज़ा और फलस्तीन के जंग के हवाले से मालूम मिलती हैं ये वीडियो जितना आगे आप लोगों तक नशर करेंगे उतना ही लोगों को भी मालूम मिलेंगी फ़लस्तीन के हवाले से वो किरदार अदा करेंगे कम से कम दुआ कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब फलस्तीन का मसला जाएगा वो फलस्तीन के लिए जागेंगे उठेंगे अपने हुक्मरानों को जगाएंगे यह हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है याद रखें फ़लस्ती और मस्जिद अक्सा। ये सिर्फ गज़ा या फलस्ती मुसलमानों का मसला नहीं है ये पूरी उम्मत है मुस्लिम का इज्तिमाही मसला है रोज़ माशर क़्यामत के दिन हर मुसलमान से इस बारे में सवाल हो सकता है अब तक के लेते ही इजाज़त दीजिए अल्लाम उरहमत लाही